हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल चकदेव इन नॉलेज। चकदेव इन नॉलेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक चैनल जो करता है बैंक की बात और बैंकर्स की बात। और आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए खुशखबरी। पहले बता दें कि ये वीडियो हिंदी में है, इसका इंग्लिश वर्जन हम सेपरेटली अपलोड करेंगे। दोस्तों, जब आप प्रमोशन लेते हैं तो उसके पीछे एक मेन रीज़न होता है, वो होता है सैलरी में इंक्रीज। और सैलरी में इंक्रीज तब होता है जब आपका फिटमेंट हो जाए, यानी कि जब भी आप प्रमोशन लेंगे तो नए स्केल में आपकी सैलरी को फिट किया जाता है, उसको बोलते हैं फिटमेंट। तो बहुत ही दिनों से, काफ़ी दिनों से ये पेंडिंग था। IBA के पास लगातार बैंक क्वेरीज भेज रहा था लेकिन IBA कोई रिप्लाई नहीं कर रहा था। अभी IBA ने फिटमेंट का चार्ट भेज दिया है। आज के वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे ऑफिसर्स का चार्ट। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े स्केल से, यानी कि जब 6 to 7 का प्रमोशन होता है तो फिटमेंट किस तरीके से होगा। उसके बाद हम नीचे जाते जाएंगे, यानी कि फिर हम करेंगे 5 to 6, फिर 4 to 5, उसके बाद 3 to 4, उसके बाद हम करेंगे 2 to 3, और उसके बाद लास्ट में करेंगे प्रोबेशनरी ऑफिसर, यानी कि जो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल ऑफिसर होता है उसका जब स्केल 2 का प्रमोशन होता है उसका डिस्कशन। 104,240, 107,210 और 110,180 की अगर पे है आपकी स्केल 6 में, तो आपका फिटमेंट स्केल 7 में 116,120 पे होगा तीनों का। 113,150 की पे वाले का फिटमेंट होगा 119,340 पर, और 116,120 की अगर पे आपकी है तो आपका फिटमेंट होगा 122,560 की पे पर। अगर हम बात करें स्केल 5 से लेकर के स्केल 6 के जो फिटमेंट है उसकी, तो 89,890, 92,390, 94,890, ये तीन जो पे हैं उनका होगा फिटमेंट 104,240 पर। 97,620 की पे वाले का फिटमेंट होगा 107,210 पर, और लास्ट की दो यानी कि 103,50 और 103,320 वाले का फिटमेंट होगा 110,180 पर। अब बात करते हैं स्केल 4 से स्केल 5 पे जब प्रमोशन होगा तो फिटमेंट कैसे होगा। स्केल 4 की बेसिक 76,010 और 78,230 और 80,450 और 82,670, ये चारों का ही फिटमेंट होगा 89,890 पर। उसके बाद 84,890 की पे वाले का होगा 92,390 पर, 87,390 वाले का होगा 94,890 पर, 89,890 वाले का होगा 97,620 पर, और लास्ट के दो जो कि स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के बाद पे होती है, यानी कि 92,390 और 95,120, इनका फिटमेंट होगा 103,350 पर। अब हम बात करेंगे स्केल 3 से स्केल 4 में जब आपका प्रमोशन होगा तो फिटमेंट किस तरीके से होगा। आप देख सकते हैं कि 63,840, 65,830, 67,820 और 69,810 सभी का होगा 76,010 में, 71,800 वाले का होगा 78,230 पर, 73,790 वाले का होगा 80,450 पर, 76,010 वाले का होगा 82,670 पर, 78,230 वाले का होगा 84,890 पर, 80,450 वाले का होगा 87,390 पर, 82,670 वाले का, 84,890 वाले का और 87,110 वाले का और 89,610 वाले का, यानी कि इन चारों का ही होना है 89,890 पर। और लास्ट वाला यानी कि लास्ट स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट के बाद जो 92,110 का होगा उसका होगा 92,390 पर। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें स्केल 2 से लेकर के स्केल 3 के प्रमोशन पर, उससे पहले हम आपको बता दें कि ये वीडियो हमने बनाया है ऑफिसर्स के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऑफिसर्स के लिए काम करते हैं। चकदेव इन नॉलेज बैंकर्स का चैनल है जो कि एग्जिस्टिंग और रिटायर्ड एम्प्लॉयज दोनों का ही ध्यान रखता है। यानी कि हमने क्लरिकल और सब स्टाफ जो भी है उन दोनों के फिटमेंट का वीडियो ऑलरेडी रिलीज किया हुआ है। अभी हम आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं उन दोनों के थंबनेल, तो आप हमारे ही चैनल पर वो डिटेल भी देख सकते हैं। तो अभी आपके सामने स्क्रीन पर है ये थंबनेल है हमारे चैनल पर जो सब स्टाफ से क्लर्क प्रमोशन का जो फिटमेंट फार्मूला के ऊपर वीडियो है उसका, तो आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। और ये जो येलो ब्लू और पिंक कलर के लिए आपको दिख रहा है क्लर्क से ऑफिसर बनने पर कितनी होगी सैलरी, ये है क्लरिकल टू ऑफिसर प्रमोशन पर जो फिटमेंट होगा उसका वीडियो, तो आप इसको भी जाके देख सकते हैं। हम वापस आते हैं वीडियो पर जो कि अभी हम आपको बताएंगे स्केल 2 से 3 का फिटमेंट कैसे होगा। पहले के 8 स्टेज, जी हाँ, पहले के जब 8 स्टेज आप देखेंगे यानी कि 48,170, 49,910, 51,900, 53,890, 55,880, 57,870, 59,860
और 61,850, इन सभी का फिटमेंट होगा 63,840 पे, 63,840 वाले का होगा 65,830 पे, 65,830 वाले का होगा 67,820 पे, 67,820 वाले का होगा 69,810 पर, 69,810 वाले का होगा 71,800 पर, 71,800 वाले का होगा 73,790 पर, 73,790 वाले का होगा 76,010 पर, 76,010 वाले का और 78,230 दोनों का ही होगा 78,230 पर, 80,400 वाले का सेम वहीं पर, 82,670 वाले का भी सेम वहीं पर, 84,890 वाले का भी सेम वहीं पर, 87,110 वाले का भी सेम वहीं पर और लास्ट यानी कि 89,330 वाले का होगा 89,610 पर। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर है स्केल 1 से 2 का फिटमेंट, यानी कि जब आप स्केल 1 से स्केल 2 ऑफिसर बनेंगे तब आपका फिटमेंट कैसे होगा। दोस्तों उससे पहले जब हम इसको डिस्कस करें उससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन कर लेते हैं। जैसा कि आपको सभी को पता है कि बैंकर्स का चैनल है, रिटायरीज का चैनल है, तो आपके खुद ने के चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलिए। इसके अलावा एक लाइक तो बनता है, हम एक गुड न्यूज लेके आए हैं और आपके लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार हिट तो कर दीजिए, प्लीज़ लाइक को क्लिक कर दीजिए। अभी हम वापस आते हैं फिर से एक बार वीडियो पर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्केल 1 से 2। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान दीजिए स्टार्टिंग के 8 स्टेज के ऊपर, यानी कि जो आप देख सकते हैं कि पहले के स्टेज हैं 36,000, 37,490, 38,980, 40,470, 41,960, 43,450, 44,940 और 46,430, यानी कि 36,000 से लेकर 46,430 की पे वाले स्केल सभी का होगा 48,170 पर, 48,170 वाले का होगा 49,910 पर, 49,910 वाले का होगा 51,900 पर, 51,900 वाले का होगा 53,890 पर, 53,890 वाले का होगा 55,880 पर, 55,880 वाले का होगा 57,870 पर, 57,870 वाले का होगा 59,860 पर, 59,860 वाले का होगा 61,850 पर, 61,850 वाले का होगा 63,840 पर, 63,840 वाले का होगा 65,830 पर, 65,830 वाले का होगा 67,820 पर, 67,820 वाले का होगा 69,810 पर, 69,810 वाले का होगा 71,800 पर, 71,800 वाले का होगा 73,790 पर, 73,790 वाले का होगा 76,010 पर, 76,010 वाले का होगा 78,230 पर और लास्ट के जो दो हैं 78,230 और 80,450, इन दोनों का ही होगा 80,450 पर। दोस्तों इस वीडियो को सभी ऑफिसर्स के साथ आप शेयर कर दीजिए। इसके अलावा हमारा अगर आपको सब स्टाफ टू क्लर्क का भी वीडियो देखना है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, क्लरिकल टू ऑफिसर का भी जो फिटमेंट का वीडियो है वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। इसको सभी बैंकर्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका खुद का चैनल है, दिमाग में रखिए। आप सभी का दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।